प्लीज बताओ ना क्या हो, क्या तकलीफ है, कहीं दर्द हो रहा है? प्लीज कुछ तो बोलो देविका, प्लीज देविका। दीदी दीदी उतो ना, दीदी आपको क्या हुआ? दीदी दीदी उतो ना। हाय क्या हुआ मेरे बच्चे को, हाय मेरी पोतियों को, तो इस घर में कभी कोई सुख मिला ही नहीं। बिची तुसी शांत हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इन सब तैयारियों की वजह से वो थोड़ी थक गई है, इसीलिए और कोई बात नहीं। लाडो आंखें खोल, मेरी बच्ची। लाडो लाडो आंखें खोल दे। देविका प्लीज कुछ बोलो, देविका प्लीज, देविका कुछ तो बोलो। हाय हाय क्या हुआ पुत्र इसे? मालूम नहीं, शायद एसिडिटी होगी, प्रसाद खाया था तो हो सकता है कि। प्रसाद खाने से ऐसा नहीं होता, जो भी चीज इसे तकलीफ दे रही है ना उसे बाहर निकालना होगा, इसे ना उल्टी करानी होगी, जो भी इसने खाया है वो बाहर निकलेगा तब जाकर इसे चैन आएगा। आप इन्हें काम करो, इसे ना नमक का पानी पिलाओ, अभी उल्टी हो जाएगी थोड़ी देर में। इनके जो सिम्टम्स हैं, इससे तो यही लगता है कि इन्होंने जरूर कोई जहरीली चीज खाई है। जहरीली चीज? देविका ने तो कुछ खाया नहीं सुबह से। निवेदिता जी, लगता है पकड़े गए, वो डॉक्टर कह रहा है कि उसे जहर दिया गया। अब हर बार ऐसे डर जाएंगे तो फिर तो पक्का पकड़े जाएंगे हम। जरा काबू रखिए अपने आप पर, सबसे कमजोर कड़ी हैं आप सच में। और प्लीज अपना मुंह बंद रखिए, और अगर किसी ने कुछ सुन लिया ना तो फिर फंस जाएंगे हम। वैसे भी अभी थोड़ी देर पहले साक्षी मैं पकड़ ही लेती आपकी मेहरबानी की वजह से। क्या है ये? क्या क्या तुमने देविका को जहर देने की कोशिश की? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? तुम जानती हो कौन है मेरे लिए? खबरदार है मेरे, इस तरह से बात करने की कोई जरूरत नहीं। ऑल राइट, करना पड़ा मुझे, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। ओ मसलू उतरा, अपनी हाथ में रहो, हाथ क्रॉस करने की जरूरत नहीं है। अगर मेरी देविका को छुआ ना, आवाज नीचे रखो, अगर इतना शोर मचाओगे ना तो हम दोनों पकड़े जाएंगे मिठाई में जहर मिलाने के लिए, और फिर जहर का तो असर हुआ ही नहीं, बच गई ना तुम्हारी देविका। शुक्र मनाओ कि बच गई। हाय पर प्रसाद में जहर कैसे आ सकता है? आजकल वैसे भी मिठाइयाँ गर्मी की वजह से जल्दी खराब होती है, और ऊपर से मावे जैसी चीज में तो और भी जल्दी। वैसे ये मिठाई लेकर कौन आया था? मिठाई तो हर किसी के घर से आई थी, इतने सारे लोग आए थे यहाँ पे, अब ये कैसे पता चलेगा कि वो वाली मिठाई किसके घर से थी? कोई बात नहीं, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैंने जो इंजेक्शन दिया है उससे मिलावट की जो भी गलत चीजें पेट में गई हैं, उनका असर खत्म हो जाएगा। गॉड ये फिर बच गई, मेरा तो सारा प्लान ही मिट्टी में मिल गया। एक कमीनी औरत अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी, आज अगर देविका को कुछ हो जाता ना इसकी तो मैं जान ही ले लेता। दो घंटे में इन्हें होश आ जाना चाहिए, और जो दवाई मैंने दी है वो इन्हें टाइम से देते रहिएगा। शी विल बी फाइन। थैंक यू। मेहरबानी डॉक्टर साहब जी। डॉक्टर साहब देविका ठीक तो हो जाएगी ना? कोई खतरे वाली बात तो नहीं है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, चिंता की कोई बात नहीं है, शी विल बी एब्सोल्युटली फाइन, डोंट वरी। शुक्रिया। रवि, अरे अरे आराम से आराम से आराम से, उठो मत तुम। क्यों, मुझे क्या हुआ है? मैं तो ठीक हूँ। क्या हुआ मतलब? हाँ तुम्हें पता है तुमने जान निकाल दी थी मेरी। क्यों रवि, क्या सोचा तुमने कि इतनी जल्दी पीछा छोड़ दूंगी तुम्हारा? भूल गए हमारा पूरा 14 जन्मों का कॉन्ट्रैक्ट है, और हर एक जन्म में पूरा साथ निभाने का वादा किया है तुमने, या फिर अभी से हार मान गए, मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हो क्या?
को प्लीज देविका ऐसी बात दोबारा कभी मत बोलना। मैं चाहता ही नहीं कि कभी ऐसा हो, बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि जानते हो क्यों? क्योंकि जितना प्यार तुमने मुझसे किया है ना, मरने के बाद मेरी रूह को भी तुमसे उतना ही प्यार मिले। अब तुम आराम करो, मैं तुम्हें दवाई खिलाता हूँ। एक सेकेंड। किस चीज की दवाई है रवि? मैं ठीक हूँ। डॉक्टर ने कहा है दवाई खानी है, जैसे ही तुम उठोगी तो तुम बिल्कुल अच्छा फील करोगी। क्या हुआ? माता की चौकी खत्म हो गई। कब की खत्म होगी माता की चौकी? सब लोग चले भी गए, लेकिन तुम्हें पता चाची बहुत ज्यादा परेशान थी, लेकिन मैंने उन्हें कहा कि आप चिंता मत करो, मैं हूँ देविका का ख्याल रखने के लिए, आप जाओ आराम से। देखा, मेरी वजह से सब लोग डर गए और माता की चौकी भी ठीक से नहीं हो पाई, वरना सब लोग कितना एंजॉय कर रहे थे, सब लोग डांस कर रहे थे। तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि तुम्हारी वजह से तो माता की चौकी हुई है। और तुम्हें पता वो जो प्रसाद था उसमें कुछ तो गड़बड़ थी, तो मैंने सारा प्रसाद बाहर फेंकवा दिया और विक्की से बोला कि नया प्रसाद बनवा कर लेकर आओ, और सब में बंटवा भी दिया। तो तुम बिल्कुल चिंता मत करो, ओके? डोंट टेक टेंशन। अब तुम आराम करो, क्योंकि तुम्हें आराम की जरूरत है। देविका बिना किन्नी सख्त जाने जी, फिर बच गई। इसने तो तय कर लिया इसको मेरी छाती पे मूंग तक नहीं है। आप फिक्र मत करो आंटी जी, कब तक बचती रहेगी वो, अपना अगला बार खाली नहीं जाने दूंगी मैं। मुझे मुझे देखो देखो, आपने जो कर लिया इस बार इस घर में वो कर लिया, अब और कुछ मत करना जी, हम दोनों ने फंस जाना है उसमें। अब तुझे कुछ ऐसा करो कि दूर दूर तक ना देविका की मौत में हमारा नाम ही ना आए। अच्छा जी चलो जी, अब बहुत देर होगी, आप घर जाके आराम कर। नहीं, जब तक देविका को होश नहीं आएगा मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये दिखाना है कि मुझे बहुत फिक्र है देविका की, रवि पर अपनी अच्छाई का सिक्का जो जमाना है। क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? नहीं आ रही है। झूठ बोल रहे हो ना, कुछ परेशान कर रहे हो ना? तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि माता की चौकी में कुछ तो गड़बड़ हुई है और माता रानी तुमसे परेशान है? हाँ रवि, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, अम्बे माँ की चौकी थी और मेरी तबीयत खराब हो गई। अरे तो चिंता करने वाली कौन सी बात है, मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें बाहर लेकर जाता हूँ और माता रानी के दर्शन करवाता हूँ, और तुम हाथ जोड़कर उनसे माफी मांग लेना, बस फिर तुम्हें नींद भी आ जाएगी और चैन भी मिल जाएगा। ओके चल आओ, आराम से आराम से आराम से आराम से। अच्छा अच्छा, अब तुम आराम से अकेले में अपनी माता रानी से हाथ जोड़कर माफी मांग सकती हो। अंबे माँ, बहुत 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 थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए। थैंक यू कि आपने मुझे कुछ नहीं होने दिया हमेशा की तरह, और ये माता की चौकी बिना किसी बाधा के संपन्न हो गई। अपना आशीर्वाद हम दोनों पर और इस परिवार पर हमेशा ऐसे ही बनाए रखना। अम्बे माँ, अभी अभी देविका ने जो कुछ भी कहा आप प्लीज उसे पूरा कर देना, और उसके चेहरे पे मुस्कुराहट ऐसी बना के रखना। रवि, पता है अम्बे माँ का सबसे बड़ा आशीर्वाद मुझ पर क्या है? कि वो मेरी जिंदगी में तुमको लेकर आई। प्लीज मेरी जिंदगी से अब कभी मत जाना, हमेशा ऐसे ही रहना। तुम तो खुद मेरी जिंदगी बन गई हो देविका। इनफैक्ट थैंक यू मुझे बोलना चाहिए अम्बे माँ को, जानती हो क्यों? वो इसलिए कि उन्होंने तुम्हें मेरी जिंदगी बनाकर मेरी जिंदगी में भेजा, ताकि मेरी जिंदगी खूबसूरत बन जाए। और अब मैं चाहता हूँ कि तुम जिंदगी भर इसी तरह मुस्कुराते ही रहना, ओके? कहा मैंने इन दोनों को हमेशा के लिए अलग करने का प्लान बनाया था, लेकिन ये दोनों तो उल्टा और भी करीब आ गए हैं। और ये धोखेबाज देविका,
एक तो मेरे रवि को मुझसे छीन लिया और अब चालाकी से खुद को बचा लिया उस कंजक की मदद से। और ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? इस तरह बार बार हारना क्यों पड़ रहा है मुझे? नहीं नवी, नहीं, इस बार तुम्हें कुछ बहुत बड़ा सोचना होगा। ऐसा धमाका करना होगा कि ये जोड़ी एक ही वार में टूट जाए। इन दोनों को ऐसे एक साथ अब और नहीं देख सकती मैं। इस बार तो मुझे जीतना ही होगा, चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अब तो आर होगी या पार। चलो अब एक काम करते हैं, अंदर चलते हैं। चल पाओगी या फिर मैं? ठीक हो? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। तो मैं काम करता हूँ, मैं उठा के लेके चलता हूँ। नहीं नहीं रवि, मैं खुद चल लूंगी। पक्का? आराम से। Bloody hell! एक दूसरे का इस तरह से हाथ पकड़े हुए हैं जैसे कभी अलग ही नहीं होंगे ये दोनों। पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। I will have to kill this love. देविका का जितना ख्याल रखता है रवि, उतना ही दिल जलता है मेरा। आराम से। देविका, अरे देविका, देविका क्या हुआ? देविका, इसका मतलब वो पॉइजन बेकार नहीं गया, वो अब भी असर कर रहा है। देविका फिर बेहोश हो गई, काश ये दोबारा कभी होश में ही ना आए। देविका प्लीज होश में आओ। देविका, देविका बहुत गलत कर रहे हो रवि। मेरे जैसे हीरे को ठोकर मारकर इस मामूली सी लड़की के लिए परेशान हो रहे हो। तुम चाहे कितनी ही कोशिश करो रवि, ये रिश्ता तो टूट कर ही रहेगा। कर लो जितनी सेवा करनी है। माँ, साक्षी मोंटी विकी भैया। क्या हुआ रिको? ठीक तो है ना जीजू? प्लीज बताओ ना। अच्छे खासे हम लोग बाहर आए थे दर्शन करने के लिए माता रानी के, अचानक से बेहोश हो गई और गिर गई। समझ नहीं आ रहा क्या हुआ। प्लीज उठो ना दी, दी उठो ना। शुक्र है जहर का असर पूरी तरह से तो मिटा नहीं है। हाय हाय, क्या हुआ? इसकी तो हालत पहले से भी ज्यादा खराब लग रही है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। अब देविका? कुछ नहीं हुआ, देविका को ठीक हो जाएगी। प्लीज मिस लुथरा, देविका, देविका प्लीज अपनी आंखें खोलो। देविका दी उठो ना दी। माँ मैं एक काम करता हूँ, मैं देविका को अंदर लेके जाता हूँ। उठा और अंदर ले जाओ। और विकास भैया, आप डॉक्टर को फोन कीजिए। हाँ। हमारा ये प्यार नहीं हारेगा, हम एक दूसरे के लिए जिएंगे, क्योंकि आज से अपनी हर सांस, अपनी जिंदगी का हर पल मैंने तुम्हारे नाम कर दिया। मैं हिम्मत नहीं हार सकता। देविका प्लीज अपनी आंखें खोलो। देविका प्लीज, देविका एक बार अपने रवि को देखो ना। ओके ठीक है, आंखें मत खोलो, लेकिन प्लीज मेरी बात तो सुन लो। हमने वादा किया था ना कि हम एक दूसरे के बिना नहीं जिएंगे, जिंदगी भर एक दूसरे का साथ निभाएंगे। किया था ना वादा? कहा था ना कि हम दोनों के दिलों की धड़कने एक साथ धड़कती, एक ही ताल। कहा था ना? प्लीज देविका उठ जाओ ना, प्लीज प्लीज अपने रवि को मत तड़पा। तुमसे बहुत प्यार करता हूँ देविका, और तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। प्लीज एक बार अपनी आंखें खोलो, अपने रवि को देखो।
कैसी माँ है आप? कोई माँ अपनी बेटी का ऐसा ख्याल रखती है? ऐसी देविका हमेशा आपके गुणगान गाती, हमेशा आपके बारे में बात करती। ये देखिए, देखिए, देखिए क्या हाल हो गया उसका। ये लड़की दिन रात सुबह शाम सिर्फ आपके गुणगान गाती, और आपने ये सिला दी। मुझे तो आप पर विश्वास ही नहीं था, मानता ही नहीं था मैं आपको, लेकिन देविका के विश्वास ने मेरे अंदर आपके प्रति विश्वास जगाया, आपके प्रति। लेकिन मैंने बहुत बड़ी गलती की, बहुत बड़ी। पहली बार मैंने आपके जगराते में इतना कुछ किया, सबकी सेवा की, हाथ जोड़कर आपके सामने विनती की कि मेरी देविका का ख्याल रखना, लेकिन क्या किया आपने? देविका आपको अपनी माँ मानती, हमेशा यही कहती है कि यही मेरी माँ। जब से उसने आंखें खोली सिर्फ आप ही को देखा है माँ के रूप में, और आप, कसूर क्या है इसका? क्या गलती क्या है देविका की? हर बार उसे तकलीफ से गुजरना पड़ता है, क्यों आखिर क्यों? पूरा दिन उसने कुछ भी नहीं खाया, व्रत रखा आपके, और आज उसकी अगर ये हालत हुई है ना, तो आपका प्रसाद खाने की वजह से, आपका प्रसाद खाने की वजह से। और अगर आज मेरी देविका को कुछ भी हो गया ना, तो आप एक बहुत बड़ा भक्त खो देंगी, सच्ची बोल रहा हूं, बहुत बड़ा भक्त खो देंगी आप। सुना आपने, सुना आपने? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हमारा प्लान काम कर गया। देविका की बॉडी में जहर पूरी तरह से फैल गया है, और अब वो बच नहीं सकती, तो मर जाएगी अब। She is gonna die. और ये माता रानी, मुझे तो कभी विश्वास ही नहीं था माता रानी पर। Look what she's done. उन्होंने तो मेरा काम कर दिया। अब आप इस तैयारी कीजिए आंटी जी, मुझे अपने घर की बहू बनाने की। देखो जी, आपकी ये जो मुरादों की गड्डी है ना, इसे इतना तेज मत दौड़ाओ, मरी नहीं है अभी तक। वो इतनी भी खुशी नहीं मनानी चाहिए कि बाद में माथा पीट के रोना पड़े इंसान को। बड़ी सख्त जान है जी वो। आप ना ये खुली आंखों के सपने देखना बंद करो, मुझे नहीं लगता इतनी आसानी से छुटकारा मिलेगा हमें उससे। बी पॉजिटिव आंटी जी, आप फिक्र मत कीजिए। अरे मैं आपको छुटकारा दिला दूंगी देविका से, डोंट वरी। कांटे की तरह बाहर निकाल फेंकूंगी उसे हमारी जिंदगी से। You just wait and watch. तुम चिंता मत करो देविका, देविका तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। विकास भी डॉक्टर को लेके ही आते होंगे और तुम ठीक हो जाओगी। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, सच्ची बोल रहा हूं। तुम ठीक हो ना? एक सेकंड, आराम से। तुम ठीक हो ना अभी? तुम्हें पता है तुमने जान निकाल दी थी मेरी, अचानक से तुम्हें हो क्या गया था? और अगर तुम अपनी आंखें ना खोलती ना, तो मेरी सांसें रुक जाती। नहीं रवि, ऐसा कभी मत कहना। मुझे लगता है कमजोरी की वजह से मुझे चक्कर आ गए थे, इसीलिए मैं बेहोश हो गई। लेकिन देखो ना, अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सच में। अच्छा, मतलब तुमने कितनी आसानी से बोल दिया कि तुम्हें कमजोरी थी और तुम बेहोश हो गए। तुम्हें अंदाजा भी है कि मेरी क्या हालत थी, मैं किस दौर से गुजर रहा था? मैंने बहुत डरा दिया था ना तुमको, मेरी गलती है। I'm sorry, तुम जो सजा दोगे ना वो मंजूर है मुझे। सॉरी क्यों बोल रही हो, और सजा कैसी? तुम्हें सजा दूंगा तो सजा मुझे मिलेगी ना। लेकिन एक बात तुम याद रखना, तुम पर गुस्सा बहुत करूंगा। अगर तुमने ठीक से ख्याल नहीं रखा अपना, तो फिर तुम देखना असली रवि ग्रेवाल निकलेगा। पक्का प्रॉमिस, आज से मैं बहुत सारा खाना खाऊंगी, बहुत ख्याल रखूंगी अपना। प्रॉमिस, प्रॉमिस। अब एक काम करो, बातें बहुत सारी हो गई, आराम कर लो। अगर मैंने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली तो तुम कहीं फिर से डर तो नहीं जाओगे? तुम मजाक उड़ा रही हो मेरे इमोशंस का। नहीं नहीं रवि, मजाक नहीं उड़ा रही हूँ। अच्छा मैं सो जाती हूँ। चलो फिर आंखें बंद करो, चलो। कुछ बात नहीं करनी, अब चुपचाप एक काम करो, आराम से लेट जाओ। ओके, आराम से। अब मैं तुम्हारे पास ही हूँ, जब तक तुम सोओगी नहीं ना, मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। चलो अपनी आंखें बंद करो, शाबाश।